निहालगढ़ में काफी फेमस समोसा मिलता है। कितना है? 50 से कितना है ये बताओ? 50 से कितना है? लाओ लाओ, हमें दो, हमें दो, हमें दो, हमें दो है। लाओ 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 दो 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 लाओ लाओ। 100 रुपए दिया हूँ, 100 रुपए दिया हूँ। हेलो जी, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका हमारे कौन नए व्लॉग में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मेरा व्लॉग देख रहे होंगे। तो भाई दोपहर के बज रहे हैं 12 और अभी मैं आ चुका हूँ घंटाघर के पास, यानी सतखंडे के पास। और अभी तक आप लोग व्लॉग में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बने रहिए व्लॉग में। जैसा भी कुछ होता है हम आपको बताते हैं। हाँ तो भाई, हम लोग आए थे सतखंडे के पास शूटिंग करने के लिए, तो हमने कहा कि आपको दिखा देते हैं सामने का व्यू। सतखंडे के बगल में छोटा सा पार्क बना हुआ है, तो वही जगह पे आए थे शूटिंग वूटिंग करने के लिए। तो हमने कहा कि आज आपको दिखा देते हैं पार्क भी। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो भाई हमारे पीछे आप सारा देख सकते हैं, पार्क ही पार्क बना हुआ है। ये देखिए बेहतरीन शानदार, सब गमले वगैरह लगे हुए हैं, पेड़ वगैरह लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं क्या ही शानदार दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं खूबसूरत लोकेशन है, यहाँ पे तमाम लोग आते हैं, बैठ जाते हैं, बैठने के लिए सब कुछ व्यवस्था भी करी गई है। और आप देख सकते हैं खूबसूरती इसकी। और ये पीछे घंटाघर दिखाई दे रहा है। फिलहाल ये हमारे जफर भाई है, तो जफर भाई क्या बोलना चाहोगे? भाई यही बोलना चाहेंगे, अभी तक आप व्लॉग में है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, देर ना करिए, व्लॉग बढ़िया बढ़िया आने वाला है। सामने का व्यू दिखा दो भाई। सामने का व्यू आप देख सकते हैं भाई, को बोलते हैं सतखंडा। तो भाई कितना शानदार दिखता है, आप देख सकते हैं। रात रात में ना जब आप आएंगे यहाँ पे तो पूरे में लाइट वाइट जलने लगती तो और अच्छा लगने लगता है। फिलहाल हम लोग अब पीछे चलने वाले हैं और आप ये देखिए ये क्या बना हुआ है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। बात तो सही है। और हम लोग अब चल रहे हैं इधर इधर ऐसे ऐसे करते हुए, देख सकते हैं आप खूबसूरती। देखिए आप क्या शानदार पार्क बना हुआ है भाई साहब। बाकी आपके भाई ने गाड़ी वहाँ पे खड़ी कर रखी है जहाँ पे ये मौलाना साहब खड़े हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। और पानी यहाँ का ना देखिएगा, बहुत ही ज्यादा गंदा है। और हम लोग इधर से अब चलते हैं भाई बाइक के पास, बाइक उठाते हैं और फौरन चलते हैं लोकेशन पे। हाँ जी भाई, हम लोग निकल चुके हैं सतखंडे के पास से और आप देख सकते हैं एक हाथ से शूटिंग और एक हाथ से बाइक चला रहे हैं। और अभी हम लोग फिलहाल कहाँ चल रहे हैं वो आपको हम बताते हैं भाई। भाई हम लोग चल रहे हैं शाकिब भाई के घर उनका पार्सल लेने के लिए। शाकिब भाई ने कॉल किया था, शाकिब भाई ने बोला था कि लेकर आने को भाई, तो चल रहे हैं हम लोग वही पार्सल लेने के लिए। तो चलिए शाकिब भाई के घर चलते हैं, ब्लॉग में बने रहिएगा। सामने का व्यू देख सकते हैं भाई, कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। चलिए बाकी चलते हैं। तो भाई फाइनली आपका भाई आ चुका है गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए। मेरे गाड़ी में बहुत ही कम पेट्रोल है, तो मैंने कहा कि यार गाड़ी में पेट्रोल भरवा लेते हैं। और आप देख सकते हैं भाई गाड़ी में मेरा कितना कम पेट्रोल बचा हुआ है। फिलहाल पेट्रोल टंकी के सामने हम आ चुके हैं, तो चलिए भाई पेट्रोल भरवा लेते हैं, उसके बाद चलते हैं फौरन शाकिब भाई की लोकेशन पे। हाँ जी गाइस, पेट्रोल वगैरह फुल करवा लिया आपके भाई ने, आप देख सकते हैं 110 रुपए का मैंने पेट्रोल डलवा लिया है। तो चलिए अब आराम आराम करते हुए चलते हैं शाकिब भाई की लोकेशन पर। और आप देख सकते हैं ये भी एक छोटा सा पार्क है। पार्क का नाम क्या है ये तो नहीं पता है, ये है ठंडे लाल वाला पार्क, कुछ ऐसा बोलते हैं ना भाई। आराम आराम अब करते हुए चलते हैं भाई शाकिब भाई के लोकेशन पे, शाकिब भाई के घर पे। यहाँ से शाकिब भाई का घर 2-3-4 किलोमीटर दूरी पे है, तो चलिए चलते हैं भाई। 5 minutes later. Finally guys, हम लोग शाकिब भाई के घर पे आ चुके हैं। शाकिब भाई को फोन ऑन कर दिया है, शाकिब भाई ऑफिस में अपने। शाकिब भाई का पार्सल अभी लेना है इनके घर से। लेना क्या चाहते हो? और आप देख सकते हैं भाई यही है शाकिब भाई का हमारे घर, ये देखिए आप बेहतरीन। 1 minute later. तो भाई शाकिब भाई के यहाँ से पार्सल आ चुका है, आप देख सकते हैं 2-2 पार्सल है भाई साहब, पता नहीं क्या है इसमें। तो चलो भाई, शाकिब भाई ने बोला था लेने के लिए, हम लोग ने ले लिया है, क्या बोलते हो दोपहर भाई? बस भाई अब लेके फौरन चलते हैं हम लोग घर की तरफ भाई, भूख लगी है। हाँ जी भाई, फाइनली हम लोग आ चुके हैं घर। जफर भाई हमारे अंदर चले गए हैं और अब हम अंदर आ रहे हैं, देख सकते हैं सामने। आप देख सकते हैं भाई सारी पैकिंग वैकिंग हो रही है, कहाँ चलने के लिए वो अभी हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं। फिलहाल चलिए पहले गेट वेट बंद कर लेते हैं, कपड़ा वपड़ा इधर फैला हुआ है, ये देखिए आप खतरनाक। चलो नाश्ता पानी करते हैं उसके बाद मिलते हैं। 5 hours later. हेलो जी, तो भाई साहब हम लोग निकल चुके हैं अपने गांव के लिए, देखते हैं यार ट्रेन कहीं मिस ना हो जाए। ट्रेन हमारी है 5 बजे, अभी हो रहा है 4:10 और सभी लोग बैठ चुके हैं। अम्मी लोग नखास में है, अब्बा भी नखास में है, हम अरीबा जफर लोग बैठ चुके हैं ऑटो रिक्शे पे और हमारा रिक्शा चल रहा है भाई। अभी हम लोग सज्जाद बाग से निकले हुए हैं और देखते हैं ट्रेन हमारे लोग की मिस होती है कि नहीं मिस होती है। यार नहीं होगी अंकल जी बोल रहे हैं इंशाल्लाह। आज तक इस गाड़ी से अभी तक ऐसा खेल हुआ नहीं। शाबाश, तो चलो भाई अंकल जी काफी कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, काफी अच्छी बात कर रहे हैं, तो चलो देखते हैं पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं। बाकी सारी डिटेल हम आपको बताते हैं, कसम से अगर ट्रेन मिल जाती है ना तो बहुत ज्यादा खुशी होगी, हम आपको सारी चीजें बताएंगे ट्रेन में बैठ के। तो भाई जिया भाई ने तो आपको बता ही दिया होगा हम लोग अपने गाँव के लिए निकल चुके हैं, क्या लगता है रीवा पहुँच पाएंगे? नहीं पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह, ट्रेन मिल जाएगी।
ट्रेन नहीं मिलेगी तो बस मिलेगी, तुमको मिलेगी। चलो भैया अरीबा को तो ये कहना है कि ट्रेन नहीं मिलेगी तो बस मिल जाएगी, बाकी यार हमारे दिल में दुख दुख हो रही है कि ट्रेन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ओए, 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 ओए। ये देखो भाई साहब ये आलम है, ये पूरा हम बैग वगैरह लग चुका है मेरे ऊपर और हम बस कोई तरह बैठे हैं, बाकी यार ट्रेन मिल जाएगी तो अच्छा लगेगा, सारी मेहनत वसूल हो जाएगी। चलिए चलते हैं सीधे चारबाग, वहां पहुंच के आपसे मिलते हैं। चलो फाइनली हम लोग आ चुके हैं ट्रेन में, बहुत ही मुश्किल से ट्रेन मिली है भाई साहब, और जगह तो यार मिलना मुश्किल था, बाकी अरीबा लोगों को बैठा दिया है, अम्मी भी बैठ गई हैं और हम लोग खड़े हुए हैं, जैसे हम खड़े हैं वैसे अब्बा खड़े हैं और वैसे जफर भाई भी खड़े हैं, सारा सामान वामान रखा लिया है। चलिए भाई आराम आराम अब करते हुए चलते हैं सुल्तानपुर की तरफ, मुसाफिर खाने की तरफ, जैसा भी कुछ होता है आपको बताते हैं। बाकी आप देख सकते हैं भाई ट्रेन एकदम फुल है, जगह कुछ नहीं है, सब लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं, ये देखिए आप। हाँ तो भाई हम लोग आ चुके हैं निहालगढ़ और अभी हम आ चुके हैं बाथरूम के अंदर, भाई काफी ज्यादा बाहर भीड़ है इसलिए शूटिंग नहीं कर पा रहा था, अभी हमें चलना है मुसाफिर खाना, तो भाई निहालगढ़ से मुसाफिर खाना की दूरी 20-25 किलोमीटर होगी और ज्यादा तो होगी नहीं शायद। चलिए बने रहिए ब्लॉग में, जैसा भी कुछ होता है सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ, पूरी कोशिश रहेगी कि सारी चीजें मैं आपको दिखाऊं। Eternity later. Finally, हम लोगों की ट्रेन आ चुकी है निहालगढ़ और अभी मैं बाथरूम से निकल आया हूँ, जगह पाके भाई कोई तरह करके मैं शूटिंग कर रहा हूँ, भाई सही बता रहा हूँ बहुत ज्यादा भीड़ थी ट्रेन में, कोई तरह बैठने हटने की जगह तो नहीं मिली, खड़े होने की जगह मिल गई है, फिलहाल हमारी ट्रेन रुकी हुई है आप देख सकते हैं निहालगढ़ में, और आप देख सकते हैं काफी लोग उतर चुके हैं भाई, काफी लोग जा भी चुके हैं, रात हो चुकी है 7:30 बज रहा है। चलो भाई चलते हैं आराम आराम करते हुए, जैसे ही ट्रेन चलती है वैसे ही चलते हैं हम लोग मुसाफिर खाना। भाई साहब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हो गया है, काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है, इसलिए लगी हुई है निहालगढ़ में काफी फेमस समोसा मिलता है, सभी लोग इसलिए ले रहे हैं समोसा, तो हम भी लेने के लिए आए हैं, देखते हैं यार मिलता है कि नहीं मिलता है, ट्रेन भी हमारी कहीं ना चल पड़े, बाकी देख सकते हैं भाई। अरे भैया बैठे दे रहा है भैया, अरे इसका पटपट सब कर रहा है, अरे ला यार अभी लाओ भाई यार, 50 का कितना है, कितना है 50 का कितना है ये बताओ, 50 का कितना है, लाओ लाओ हमें दो हमें दो हमें दो हमें दो, लाओ 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 दो लो दो 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 लो लो लाओ, 100 रुपए दिया, 100 रुपए दिया, पैसा तो दे दो, 100 रुपए दिया मैंने, समोसा खत्म। वाह क्या एक्टिंग कर रहे तो भाई साहब आपका भाई समोसा लेकर आ चुका है, 50 रुपए के 6 समोसा में मिले हैं, उसके बाद अब समोसा ही खत्म हो गया है, बाकी जफर भाई 6 खाने के मूड में थे लेकिन अब इनका सपना टूट चुका है, जफर भाई को 3 दे देते हैं, अरीबा उधर है, एक हम और एक अब्बा खाएंगे, बाकी चलिए खा लेते हैं उसके बाद आपसे मिलते हैं। 20 minutes later. हाँ जी भाई फाइनली हम लोग आ चुके हैं मुसाफिर खाना और सारा सामान वगैरह उतार लिया है, काफी ढेर सारा हमारे पास सामान भी था, और ये देखिए आप मेरा सामान देख सकते हैं कितना ज्यादा सामान है भाई, ये सारा सामान किस लिए आया हुआ है, सारी चीजें हम आपको बताएंगे धीरे धीरे करते हुए, किस वजह से गाँव आए हैं वो भी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, हमें समय नहीं मिल पाया नहीं तो बताता जरूर। बाकी जफर भाई सफर कैसा रहा? सफर बहुत ही खतरनाक रहा, इसके बारे में घर चल के संपूर्ण चर्चा करी है। क्या बात है, जफर भाई भी चर्चा करेंगे, बाकी ये रही अम्मी और ये है रीबा और ये है हमारे अब्बा, बाकी आप सामान देख सकते हैं फिर से भाई, सामान पे नजर डालिए, कोशिश ये रहेगी कि पूरी चीजें हम आपको घर पे चल के बताएं, बाकी चलिए सामान वामान उठाते हैं, 4-व्हीलर मंगवाए हुए हैं गांव से, 4-व्हीलर भी आई है। A few moments later. Finally, अपनी गाड़ी आ चुकी है, गाड़ी को आपको दिखा देते हैं फिर सारा सामान रखा लेते हैं, ये है अपनी गाड़ी भाई बोलेरो, तो चलिए भाई सारा सामान इसमें रखाते हैं और चलते हैं, फिर बैठते हैं चलते हैं फौरन घर। तो भाई फाइनली हम लोग गाड़ी के अंदर आ चुके हैं और ये हमारे अरशद भाई हैं, गाड़ी लेकर आ गए थे गांव से और अब हम लोग गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं, तो चलिए भाई अब आराम आराम करते हुए चलते हैं अपने गांव भगोना बाजार, तकरीबन यहां से आधा घंटा 40 मिनट लग जाएगा, और आप देख सकते हैं आगे से मुझे लेफ्ट लेना है, बाकी अभी तो यार बंद है यार, एक ट्रेन का और इंतजार करना है, तो चलिए देखते हैं जैसा भी कुछ होता है बताते हैं हम आपको। तो भाई साहब आप देख सकते हैं हमारी ट्रेन निकल चुकी है और ये देखिए फाटक खुल चुका है, फिलहाल चलिए अब आराम आराम करते हुए चलते हैं अपने गांव। 5 hours later. तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं बल्लीपुर में और बल्लीपुर में रहमान भाई की दुकान बहुत ही फेमस है और यहाँ पे संतरा केला सेब अनार सब कुछ मिलता है, तो हम लोग यहाँ से ले रहे हैं रुक के, ब्लोरो यहाँ पे खड़ी हुई है और रहमान भाई हमारे ये है, तो चलिए ले लेते हैं फिर उसके बाद चलते हैं आराम से घर। फाइनली हम लोग आ चुके हैं घर अपने, गाड़ी खड़ी हो चुकी है आप देख सकते हैं, चलिए भाई सारा सामान उतार लेते हैं पहले उसके बाद फिर आराम से सब कुछ सारी चीजें बताते हैं। अरशद भाई ने उतार दिया, ये है अरशद भाई की बोलेरो और आप देख सकते हैं मेरे घर पे काफी ज्यादा अंधेरा अंधेरा है क्योंकि हम लोग रहते नहीं इसलिए लाइटेड बंद है, फिलहाल आप ये देख सकते हैं इधर,
ये भी अपना ही घर है भाई, लाइट वाइट इधर जल रही है, आप देख सकते हैं काफी ज्यादा साफ सफाई हो चुकी है। बाकी चलिए यार फटाफट करते हुए पूरा सामान उतरवाते हैं, बहुत ज्यादा सामान है यार। ये देखिए जफर भाई उतारना शुरू कर दिए, अम्मी भी उतारना शुरू कर दी है। चलो भाई हाथ पैर लगाते हैं उसके बाद चलते हैं। फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने घर, आप देख सकते हैं काफी ज्यादा कबूतर वगैरह उड़ रहा है यार। ये देखिए बहुत परेशान किया है, ये इधर उधर टहल रहा है, इधर उधर टहल रहा है, कहाँ जा रहा भाई। ये लो भाई, ये लो इतने ढेर सारे कबूतर, ये अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा, ये कबूतरों की वजह से है। ये देखिए पूरा घर देखिए एकदम बेकार कर डाले हैं ये। अरे यार क्या ही बताया जाए, अब इसकी साफ सफाई कल होगी स्टार्ट। लाल चलिए भाई अब कपड़े वपड़े उतारते हैं, कुछ देखते हैं खाने पीने के लिए क्या कैसा सीन रहता है। अभी तो फिलहाल सभी लोग घर से आए हुए हैं, सभी लोग काफी ज्यादा थके हुए हैं, देखते हैं क्या बनता है, क्या खाया जाता है, क्या मिलता है, जैसा भी कुछ होता है हम आपको बताते हैं। और ये हमारा रूम है आप देख सकते हैं, ये देखिए आपका भाई कुछ इस तरह से बना हुआ है आप देख सकते हैं भाई। ये देखिए आप क्या ही सुकून मिलता है भाई अपने गाँव वाले घर में आने के बाद ना, पूछो मत भाई कसम से दिल एकदम गार्डन हो जाता है। बाकी आपका भाई देख सकते हैं बेहतरीन जैकेट वैकेट मैंने पहन लिया, हालांकि इतनी ज्यादा सर्दी नहीं है लेकिन फिर भी यार हमने कहा कि जैकेट पहन लेते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। फाइनली हम लोगों के बीच में आ चुकी है चाय आप देख सकते हैं भाई, और ये सिरका प्याज वगैरह ये थी, और यहाँ पे रोटी वोटी थी भाई, तो अभी एक रोटी एक लुकमा बची है। फिलहाल सब लोगों को बहुत ज्यादा भूख लगी थी इसलिए जल्दी जल्दी हम लोगों ने खा लिया, बताना मैं भूल गया आपसे। और अम्मी लोग खा रही है, अब्बा भी खा रहे हैं, जफर भाई खा लिए हैं। भाई साहब आ चुकी है मैगी आप देख सकते हैं, हम लोगों को खाने से पेट कम भरा इसलिए हम लोगों ने मैगी बना ली यार, और सभी लोग खा रहे हैं मैगी, हम जफर भाई और अरीबा। तो अभी पहले खा लेते हैं मैगी पे चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद अच्छे से आपसे मिलते हैं। 5 minutes later। हाँ जी भाई खाना पीना खा लिया है, मैगी भी खा लिया है, आपको दिखाया था भाई। फिलहाल आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा टफ था भाई, आज हम लोग का प्लान एकदम से बना भगोना गाँव आने का, अपने गाँव आने का, तो भाई इतनी ज्यादा यार दिक्कत आई, इतनी ज्यादा दिक्कत आई कि मैं बताया नहीं आपको। बाकी थोड़ी सी चीजें मैं आपको ये बता देता हूँ भाई, एकदम से सडनली प्लान हुआ, अब्बा अम्मी मार्केट गए थे और मार्केट ही से ये मालूम हुआ कि हम लोगों को चलना है गांव, क्योंकि प्लान हो रहा था 2-3-4 दिन से, और गांव किस लिए आए हैं वो हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे। बाकी आज जो हुआ हम लोगों के साथ, कैसे कैसे करके हम लोग ट्रेन पकड़े, कैसे कैसे करके, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा टफ थी भाई, बस आपको यही बताना था, और हमें भी ये चीज याद रखना है इसलिए मैंने बता दिया है जो मेरे साथ हुआ है। बाकी आज के व्लॉग यहीं पे करते हैं एंड, वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।